इसरो रचो इतिहास SSLV-D3 नजरिए EOS-8 नामक हर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप प्रक्षेपित आपदा प्रबंधन पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मिलेला सहायता। भारत रत्न और पहली आला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत जाना माने लोग परिस समाधि सदैव अटल वाले चढ़ाया फूल। पश्चिम बंगाल में हाल ही में घटी घटना ने लेर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माले बोली हमलो। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया कया ममता बनर्जी रा नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह सूफी है ध्वस्त। कोलकाता में महिला चिकित्सक सु बलात्कार और हत्या की घटना ने लेर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। जयपुर और जोधपुर में घटना का विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर करिया काम रो बहिष्कार रैली कार्डर दोषा ने कड़ी सजा देबारी करिया मांग। अब प्रदेश में बिरखा के कारण कई हल्का में पानी भरियो कई जिला में ढाया मकान। आवाड़ा 24 घंटा के दौरान जोधपुर अजमेर और बीकानेर संभाग में भारी बिरखा रो अंदेशो। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार इसरो आज इतिहास रस्ता थका SSLV-D3 रे जरिए EOS-8 नामरा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ने प्रक्षेपित कर्यो। इन्हें श्री हरिकोटा रा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सु प्रक्षेपित कर्यो गयो। इसरो रा चेयरमैन एस सोमनाथ सफल प्रक्षेपण रे पछे खबर नविसा ने बताया कि इन जरिए आपदा प्रबंधन पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में सहायता मिलेला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल इसरो ने अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV-D3 के माध्यम से EOS-8 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को आज लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया है। यह सैटेलाइट धरती की तस्वीरें लेगा और मौसम की भी जानकारी देगा। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। EOS-8 सैटेलाइट में तीन खास उपकरण लगे हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ये दिन और रात दोनों समय धरती की तस्वीरें ले सकता है। इससे आपदा प्रबंधन पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही दूसरा इसमें उपकरण लगा है वो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड। ये समुद्र की सतह मिट्टी की नमी और हिमालय के ग्लेशियरों की जानकारी देगा। ये बाढ़ की चेतावनी देने में भी मदद करेगा। और तीसरा उपकरण है सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर। ये इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूवी रेडिएशन की निगरानी करेगा, साथ ही ये गामा रेडिएशन का भी पता लगाने में मदद करेगा। थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSLV-D3 विद द EO-08 सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। द रॉकेट हैज प्लेस्ड द स्पेसक्राफ्ट इन द वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट एज प्लान्ड। आई फाइंड दैट देयर आर नो डेविएशंस इन द इंजेक्शन कंडीशंस। द फाइनल ऑर्बिट ऑफ कोर्स विल बी नोन आफ्टर ट्रैकिंग, बट द करंट इंडिकेशन इज दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। भारत रत्न और पहली आला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। नवी दिल्ली में अटल जी की समाधि सदैव अटल माले पुष्पांजलि सभा राखी जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री और जाने माने लोग अटल जी की समाधि माले फूल चढ़ाया।
पश्चिम बंगाल में हाल ही में घटी घटना ने लिए भाजपा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माले हमलो बोली है। जयपुर में भाजपा प्रदेश दफ्तर रमाए पार्टी का नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ममता बनर्जी माले आरोप मारता थका गया कि महिला मुख्यमंत्री व्यवहार बावजूद भी वह महिलावारी सुरक्षा करवा में विफल रहा है। भाटिया आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सीबीआई ने केस नी देबारी कोशिश कराया जिनसे साक्ष्य मिटाए जा सके। वे कह कि ममता बनर्जी रा नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिखर चुकी है। ये प्रेस वार्ता ऐसे अहम बिंदु पे है कि आज हम सब जानते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल कलकत्ता में एक जघन्य अपराध होता है। हमारी एक बहन के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। ये घटना, ये जघन्य अपराध 9 तारीख को हुआ और 9 तारीख को ये जघन्य अपराध होता है और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट फटकार लगाता है निर्ममता बनर्जी को और कहता है आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसके कुछ अंश जब मैंने उसका अध्ययन किया तो ऐसे टिप्पणी, ऐसा फैसला है जो दिखाता है किस तरह से ममता बनर्जी के राज में, जो कि गृह विभाग भी संभालती हैं, संविधान में कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है, किस तरह से विफल हो गई है। 13 तारीख के फैसले में सबसे पहले जो बात आई, जब कोई हीनस क्राइम होता है, गंभीर अपराध, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पे ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की, सरकार की, कि एफआईआर दर्ज होगी, इट इज मैंडेटरी। और ये दुख होगा आपको जान के, इस पूरे अपराध को रफा दफा करने के लिए कहा गया अननेचुरल डेथ, जिससे कि एफआईआर भी ना करनी पड़े, मामला रफा दफा हो जाए। और इस पे सख्त टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट ने करी। कोलकाता राइक सपाखाना में महिला चिकित्सक सो बलात्कार अरुण री हत्या का मामला न लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन करो जा रो है। राजस्थान में भी दोषा ने कड़ी सजा देवा और सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग न लिए चिकित्सक का निशु प्रदर्शन कर रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर का निशु काम रो बहिष्कार कर रहे हैं। आज रेजिडेंट डॉक्टर अल्बर्ट होल्डर बारे मानव श्रृंखला बढ़ा विरुद्ध प्रदर्शन कराया। इन दौरान रेजिडेंट ने हाथा में पोस्टर और तख्तियां ले महिला रेजिडेंट रो रा रेप और हत्या करवाला ने मृत्यु दंड दी बारी भी मांग किया। सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके की वहाँ पे विरोध प्रदर्शन दिखाया, आम नागरिक से बात की, पेशेंट से बात की और उनको समझाया कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हमारा आंदोलन का मकसद किसी मरीज को मारना नहीं है, हमारा मकसद है कि किस बेटे की सारी घटना हुई है, किस महिला की सारी घटना हुई, ऐसी घटना किसी और के साथ हो। जो कोलकाता में विभत्स घटना हुई है उसको लेकर सारे जो डॉक्टर है उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है और लगातार रेजिडेंट्स की हड़ताल जारी है। राजस्थान के अंदर भी जो इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं है वो भी कल से हमने बंद कर दी है, बिल्कुल पूरी तरह से कार्य बहिष्कार किया हुआ है। ये जो घटनाएं है वो आए दिन होती है, किसी बहन बेटी के साथ में कभी नाइंसाफी, बलात्कार, ये सारी घटनाएं लगातार चल रही है। हमने पहले भी कई बार सरकार से मांग की है। ये सबसे बड़ी जो अपील है हमारी आमजन से है, आमजन से ये अपील है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो सभी आमजन पब्लिक जो है वो सड़क पर उतर गई थी। ये भी एक डॉक्टर है लेकिन ये डॉक्टर के साथ साथ एक बेटी भी है, एक बहन भी है, तो इसके लिए भी आमजन को उतरने की अपील करता हूँ कि आमजन भी इस हमारे जो ये शांतिपूर्ण रैली है, शांतिपूर्ण जो कार्य बहिष्कार है, अहिंसात्मक जो हम कर रहे हैं, इसमें साथ में उतरे। रेजिडेंट डॉक्टर का रेप हुआ है और फिर मर्डर हुआ है, इसके लिए हम न्याय चाहते हैं। हम इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं कि सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हो और फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो इस चीज़ में कि आगे ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि ये हाइट्स होती है चीज़ों की कि कोई ड्यूटी पे भी बिल्कुल सेफ नहीं है। इस चीज़ के लिए हम आगे चेंज आते हैं। हमारा प्रोटेस्ट कोलकाता में जो हमारे
रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप करके जो उनका मर्डर बेरहमी से मर्डर किया गया उसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद करना है। और इसी क्रम में आज हम ही नहीं, इंडिया के सारे जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, सभी लोग पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं। और आगे के लिए वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कदम सरकार आगे बढ़ाएंगी उनके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज, एम्स जोधपुर और चिकित्सकों के साथ नर्सिंग कर्मचारी, कोलकाता में महिला चिकित्सक सु बलात्कार और हत्या विरोध में कामरो बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इन दौरान चिकित्सक और कर्मचारी रैली काढ़िया। रैली में चिकित्सक आरोपियों ने कड़ी सजा और सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर बारी मांग किया। प्रदर्शनकारी इन बाबत मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन भी सौंपा। हम सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी इस बात को लेकर एक हुई है और हम इसलिए हड़ताल में, इसलिए सड़कों पे है क्योंकि बंगाल में किसी पीजी रेजिडेंट के साथ में उसकी ड्यूटी के स्थल पे रात को उसका रेप, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई और बंगाल सरकार की तरफ से कोई कठोर कानून या कोई कदम नहीं उठाया गया अभी तक, ना सेंटर से कोई अभी तक इस बारे में संज्ञान लिया गया है। सब लोग चुप है, सारे डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, सब सड़कों पर है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो हम सरकार से अपील करते हैं, हम आम जनता से अपील करते हैं कि प्लीज हमारे साथ आए। वो लड़की डॉक्टर होने से पहले किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी। आज अब राखी आ रही है, स्वतंत्र दिवस आ रही है, पर वो हमारे बीच नहीं है। तो इस चीज का जवाब देने के लिए कोई नहीं, कोई जवाब नहीं है इस चीज की। और वहां जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां 3-4 हजार लोगों ने घुस के उनके साथ मारपीट की है, उनके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को बंद किया है 15 अगस्त की रात को। तो इसलिए हमने फिर इमरजेंसी वगैरह सब कुछ बंद कर रखी है। जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल जाता और सेंटर में सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आज हमने मुख्यमंत्री किसी के ताकि वो इस चीज को सेंटर में भेज सके, मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है ताकि वो हमारी ये जो बात है वो आगे पहुंचा सके। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर राजसा लुम्बर में विधायक अमृत लाल मीणा ने घरा पोगर वाली फोटो वाले फूल चढ़ाया। इन दौरान व्यापारा परिवार आला ने डाडस भी बंधाया। केंद्रीय मंत्री कहा कि अमृत लाल मीणा री मौत सु राजनीति ने घणो नुकसान पियो है। वे कहा कि अमृत लाल मीणा ने वाली समाज सेवा खातर सदा याद करो जातो रहला। अमृत लाल जी का एकाएक यूं छोड़ करके चले जाना परिवार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनके जाने से पार्टी के लिए भी उतनी ही बड़ी क्षति हुई है। पार्टी परिवार के साथ साथ में इस क्षेत्र में भी जिस तरह का उनका लोगों के साथ में जुड़ाव था, जीवंत संपर्क था, इस क्षेत्र में भी एक बार जो है अंधेरा उनके जाने से छा गया है। लेकिन नियति का निर्णय है, हम सबको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हाल ही में भी घटनाओं वाले चिंता जतावता था क्या कि इनसू आम आदमी में भारी आक्रोश है। इंडा विरोध में कई जगह रैली काडर प्रदर्शन कराया जा रहा है। मंत्री जोगाराम जोधपुर में जन सुनवाई रपच है मीडिया से बातचीत कराया। वे कहा कि लाला 2 दिना सु भारी बेखालो दौर जारी है, इनसू कई जगह पानी भर गयो है। सरकार बिरखा सु प्रभावित लोगों ने राहत पुगावारी पूरी चुकत कर रही है। बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी और पश्चिमी बंगाल में जो घटनाएं घटी उसको लेकर आम जन में बहुत विरोध है और इसी तरह जो पश्चिमी बंगाल में एक घटना घटी है वो भी बहुत ही निंदनीय है। जितने शब्दों में उसकी निंदा करें वो भी शब्द कम है। इन सब के विरोध में जोधपुर में आज मौन जुलूस है। हिंदुस्तान और प्रदेश के अनेक शहरों में आम जन में भारी आक्रोश है। हम भी इस घटनाओं की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। जयपुर में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं और निपटारो कराया। जन सुनवाई रमाए जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक प्रशांत शर्मा, शिखा बराला समेत कई महकमा आला अधिकारी मौजूद रहा। जन सुनवाई में 61 परिवादी आपरी समस्यावां धरिया जामे सुन्नू समस्यावां रो निपटारो मौका माले ही कर दियो गयो। इन दौरान शहर रा गणेशपुरी हल्का रमाए बिरखारा पानी रे साथ है बहराई माटी, आमेटी सागर दीवार और जल भराव और यातायात री समस्यावां रो मामलो धरियो गयो।
कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें जैसे जो अभी आए थे कि रास्ता दो बार खुलवा दिया और दोनों बार खुलवाने के बाद भी तीसरी बार फिर एंक्रोच हो गया, तो इस तरह के केसेस भी आते हैं उसमें सामने वाले को पाबंद करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। ज़मीन के डिस्प्यूट हैं या फिर दूसरे नगर निगम के लोकल बॉडीज़ के दूसरे डिपार्टमेंट के भी इशूज़ हैं, कई बार एक दो बार सॉल्यूशन होने के बाद भी वापस वो डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, उसके लिए भी डायरेक्शन दिए हैं कि समझाइश से कोशिश करें कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। और बाकी भी जो परिवार हैं उसका सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स प्रयास करते हैं कि जो समाधान है वो तुरंत ही उसका निकल सके। वाटर लॉगिंग के बहुत मामले हैं जो जयपुर शहर के भी हैं, जयपुर शहर के पैरेफरी के भी हैं, दैट ऑल्सो विल टेक अप वंस वी आर अवेयर की वेयर द थिंग इज गॉन रॉन्ग, कहाँ फैसिलिटीज इंक्रोच हो गई हैं, कहाँ फैसिलिटीज डैमेज हो गई हैं और कहाँ ऐसी चीज है जो फैसिलिटीज हैं। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि से कैसे निपटा जाए और आमेर से संबंधित जो भी विषय थे, जैसे सागर की दीवार में हल्का लीकेज है, उसके लिए मैंने अभी यहाँ वन विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं और समय समय पे कई जगह बिजली के जो आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से नहीं हो पा रही, उस सब विषयों को हमने आज यहाँ रखा है और अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि उस बारे में शीघ्र उनका निराकरण करेंगे। बांसवाड़ा जिला रा घाटोल खेतर में स्कूल बस पलट नहर में जा गिरी, इन हादसा में 26 स्कूली टाबर घायल हो गया, जिन्हें घाटोल रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बस मालियापाड़ा गांव में सो गुजर रही ही उन्हीं बगत घुमाव वाले नियंत्रण खोबार कारण बस नहर में जा गिरी। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की आज नवी दिल्ली में घोषणा कर दी गई, इन दौरान सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार गुलबोहर ने दीपारी घोषणा करेगी, इन अलावा सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म रो पुरस्कार दमन ने, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म रो पुरस्कार आईना ने और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म रो पुरस्कार KGF चैप्टर 2 ने दीपारी घोषणा करेगी। वठई अरिजीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक रो पुरस्कार देबारी घोषणा करेगी, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत पुरस्कार AR रहमान ने देबारी घोषणा करेगी। I would like to introduce you to the jury who has worked very very hard and they deserve a lot of applause for what they've done. So if they can just stand up when I go through the names. Shri Romy Methi, just stand up a minute. Mr. Dilip Kumar Pandya, Mr. P. Sukumar, Dr. Anurag Singh, Shri Yatindra Mishra, Shri Subhajit Mitra, Shri Beef Shivanand, अनमोल भवे। जयपुर डूंगरिया के बीच माता वैष्णो देवी रो एक प्राचीन मंदिर है, यह एक ऐडो मंदिर है जटे बहता झरना तेग बार ने मिले है, अठेरी प्राकृतिक सुंदरता ने देख बा खातर घनी संख्या में सैलानी आया करे है। बत्ती जानकारी रपटा में छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर अपने अलग अलग मंदिरों के इतिहास और कहानियों के लिए जाना जाता है। राजधानी जयपुर में आमेर रोड पर गुर्जर की घाटी में प्रभातपुरी का खोला है जहां पहाड़ों के बीच में माता वैष्णो देवी गुफा में विराजमान है। करीब 20 फीट लंबी और 3 फीट ऊंची इस गुफा में माता वैष्णो देवी पिंडी के रूप में दर्शन दे रही है। मंदिर के महंत मूलचंद मीणा बताते हैं कि पहाड़ी के बीच ये स्थान संतों की तपोभूमि रहा है, यहाँ वर्षों पहले प्रभातपुरी महाराज गुफा में तपस्या करते थे। प्राचीन मंदिर है, प्रभातपुरी के खोले के नाम से मशहूर है, यहाँ तपोभूमि है संतों की और बहुत प्राचीन मंदिर है, 300-400 साल पुराना, ज्यादा भी हो सकता है, बाकी 35 साल तो मेरे को हुए हैं सेवा में, मैं तो जब से देख रहा हूँ जब से पिंडी आया और माँ की सेवा, जो भी मन्नतें होती है वो तो होती है पूरी,
और नवरात्रों में खूब पब्लिक आती है, माँ के झंडे वगैरह भी आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पहाड़ी होने से यहाँ निरंतर पानी की बूंदें टपकती रहती है। इस गुफा में घुटनों के बल ही खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। बारिश के समय यहाँ झरने बहते हैं जिन्हें देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित होते हैं। यहाँ चारों तरफ कदम के पेड़ लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ भी कटरा के वैष्णो देवी माता के मंदिर की तरह ही दर्शन होते हैं। और ये 250 से 300 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ संत लोग तपस्या किए हुए हैं और उसी तपस्या का फल है कि यहाँ का माता का भी यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। सतत प्रादुर्भाव हुआ पहाड़ों की गुफा है, यहाँ झरने बह रहे हैं। जो लोग वैष्णो देवी माता के जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते यहाँ अनवरत आते रहते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं। और बारिश के मौसम में तो यहाँ प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के दिनों में नहीं 9 दिन भीड़ रहती है और यहाँ का झरना है वो बारिश में चालू होता है। हमारे यहाँ पे मेहमान भी आते हैं जिन्हें हम यहाँ पे लेके आते हैं, माता रानी का दर्शन भी कराते हैं, संग संग झरने में नहाते भी हैं। बरसात का मौसम है, आप देख पा रहे हो कि मेरे ऊपर भी जल लगाए आ रही है जो ऑटोमेटिक पहाड़ से आ रही है। बाहर एक बहुत बड़ा झरना भी है जिसमें लोग बाग नहाते हैं, दर्शन करने आते हैं माता रानी के। मैं यही कहना चाहूँगा बहुत अच्छा दृश्य है, बरसात का बहुत अच्छा मौसम है। बारिश के मौसम के चलते इन दिनों यहां श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ रहा है। वैष्णो देवी मंदिर के पास में महादेव मंदिर होने के कारण सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। यहां पर प्राकृतिक सुंदरता के बीच आध्यात्मिक शांति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में बिरखा रो दौर लगातार जारी है। लाला 24 घंटा रे दौरान सबुबत्ती बिरखा बूंदी रा हिंडोली में 220 मिलीमीटर दर्ज करी गई है। इनके अलावा बीकानेर रा कुलायत में 172 मिलीमीटर पानी परस्यो है। बढ़ई जयपुर दौसा बारा समेत कई जिला में भारी बिरखा भी है। बठिंडा उत्तर पूर्वी राजस्थान माले बण्यो परिसंचरण तंत्र अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान कानी पड़ रो है। इंडा सरसू आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान जोधपुर अजमेर और बीकानेर संभागरा किणी हल्का में भारी और कटाकटे अति भारी बिरखा पै सके है। मौसम महकमा रो मुजब 17 अगस्त सू प्रदेश में भारी बिरखा रो दौर थम्पा रो अंदाजो है। वो जो परिसंचरण तंत्र पिछले एक सप्ताह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल अब यह धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। सबसे ज्यादा बारिश यदि देखें तो 220 mm हिंडोली बूंदी में रिकॉर्ड हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कोलायत में भी वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अब अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का खास असर जो है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में रहेगा, विशेषकर जोधपुर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर के दक्षिणी हिस्से, वहीं नागौर, इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश जबकि कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों में कई इलाकों में मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद ही कमी होने की संभावना है। इसके बाद 17 अगस्त से यह सिस्टम और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। 17 अगस्त को भी आप देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के दौर से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर दिनांक 17 अगस्त से राजस्थान में भारी बारिश के दौर से राहत मिलेगी जो 22-23 अगस्त तक जारी रहेगी, यानी अगले 5-7 दिनों के दौरान जो है वो आसमान खुलने की संभावना है। इसके अलावा दिन में धूप निकलने की संभावना है, केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की या मध्यम बरसात हो सकती है। बारा जिला में लाला 2 दिनों में भी भारी बिरखा सू नेखाली जनजीवन माथा असर पड़ियो है, बल्कि खेता में पानी भर जाबा सू हजारों बीघा फसल खराब है गई है। भारी बिरखा के कारण कई गांव पानी भर जाबा सू टापू बन गया है। कई जगह पानी में फंसा लोगों ने सुरक्षित जगह पुगायो जा रही है।
ये टोसरा गांव में ये तालाब ये फुल भर गया, इसकी वजह से ये पाल फूट गई और ये हमारे गांव में जा रहा है इसका पानी, तो हमारे खेतों में कमर के ऊपर पानी जा रहा है, इससे हमारी फसल नष्ट हो गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फूसरा के पास, ये श्यामपुरा गांव है और गांव का ही एक तालाब है। देख सकते हैं ये तालाब जो है यहाँ पर इसकी पाल टूट गई है और ये पूरा पानी से लबालब भरा हुआ तालाब था। ये तालाब जो है वेस्ट वियर, यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन ओवरफ्लो होने के बाद जो है वो यहाँ का वेस्ट वियर टिक नहीं पाया और वेस्ट वियर के यहाँ से तालाब की पाल टूट गई और तालाब की पाल टूटने से टूसरा फूसरा गजनपुरा आसपास के जो गांव हैं उन गांव में पानी घुस गया है खेतों के अंदर और करीबन बताया जा रहा है कि 3,000 बीघा जो है उन फसलों को नुकसान पहुँचा है। राजधानी जयपुर में काल भी भारी बिरखा के कारण परकोटारा कल्याण जीरा रास्ता में एक मकान ढह गयो। हादसा की खबर मिलता ही मौका माले पुलिस प्रशासन का लोग फूक गया। बटई शहर में जर्जर और गिरबारी स्थिति आली इमारता ने देखता धक्का, आरे सारे रा मकान ने खाली करवाया गयो है। जयपुरा जोबनेर में लाला दो दिन सुजारी बिरखा के कारण निचला हल्का माए बाढ़ जेड़ा हालात बन गया है। माछरखानी गांव में बीती रात घरा में 2 फुट तानी पानी भर गयो, जिनसे लोगों ने घनी परेशानी रो सामो करनो पड़ रियो है। स्थिति रो जायजो लेबा खातर जोबनेर एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल, पीडब्ल्यूडी महकमा अधिकारी और आपदा प्रबंधन रो दल भोका वाले मौजूद रियो। इसरो रचो इतिहास, SSLV-D3 रा जरिए EOS-8 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट करियो गयो प्रक्षेपित, आपदा प्रबंधन पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मिलेला सहायता। भारत रत्न पहली आला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत जाना माना लोग बारी समाधि सदैव अटल माले चढ़ाया फूल। पश्चिम बंगाल में हाल ही में घटी घटना ने लिए भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माले बोली हमलो, भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया कया ममता बनर्जी रा नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह भी ध्वस्त। कोलकाता में महिला चिकित्सक सु बलात्कार और हत्या की घटना ने लिए देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी, जयपुर जोधपुर में घटना का विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर करया काम रो बहिष्कार, रैली काटा दोषियों ने कड़ी सजा दे बरी करया मांग। और प्रदेश में बिरखा के कारण कई हल्का में पानी भरियो, कई जिला में डया मकान, आवारा 24 घंटा के दौरान जोधपुर अजमेर और बीकानेर संभाग में भारी बिरखा रो अंदेशो। इंडा साथी या बुलेटिन अठे पुरुष नमस्कार।